जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी क्लास है भाजकों की संख्या यानी नंबर ऑफ डिवाइजर, यानी किसी भी डिजिट का जो है हम उसमें कैसे पता करेंगे कि इसमें जो भाजकों की संख्या है वो कितनी है। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 है, इसमें भाजकों की संख्या कितनी होगी? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 है, 8 है, तो इसमें भाजकों की संख्या कितनी है? 4 है, हमने पता कर लिया आसानी से। जैसे मैं 6 लिख दूँ तो इसमें भाजकों की संख्या कितनी होगी? इसमें 1 है, 2 है और इसमें 3 है और 6 खुद है तो इसमें भी 4 है। और मैं कहूँ कि 100 है, इसमें भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो कैसे पता करोगे, ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही ट्रिक करवाने वाली हूँ। बहुत बार जो है हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि 100 है, इसमें भाजकों की संख्या कितनी है? 8400 है, स्वयं और एक को छोड़कर कितनी संख्याओं से भाग होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना है तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो पढ़ने लायक हो, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ जो लिखने लायक हो। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं हम कि इनको हम ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे 8 है, मेरे को पता करना है कि इसमें भाजकों की संख्या कितनी होगी। देखिए हमें रटना नहीं है, हर एक चीज़ को समझना है। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ। जैसे 8 है, 8 को 8 का अगर मैं गुणनखंड करूँगी तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 × 2 × 2। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब मैं इसको ऐसे तो लिख दिया, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये 3 हो गए, तो मैं इसको 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ। और जो हमारी ये पावर है इसमें मैं 1 ऐड कर सकती हूँ और ये हो गया हमारा 3 और 1 = 4। तो 8 में हमारे भाजकों की संख्या कितनी होगी? 4। ये हमें याद रखना है कि जो भी हमारी यहाँ पर पावर होगी ना, ये पावर, इस पावर में हमेशा हमें 1 ऐड करना है, हमेशा 1 ऐड करना है, यही हमारी ट्रिक है। देखिए और क्वेश्चन देखिए, जैसे 6 का है, 6 का हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से, 3 × 6। अब यहाँ पे हमें पावर क्या करनी है, अगर हम 3 की 1 से मल्टीपल करेंगे तो वो 3 ही रहेगा। तो देखिए मैं इसे 3 की पावर 1 लिख सकती हूँ। अगर हम 2 की 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो मैं यहाँ 2 की 1 लिख सकती हूँ। तो ये जो हमारी पावर है मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगी, तो ये यहाँ 2 हो जाएगा। और ये जो हमारी पावर है इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगी, ये भी हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 यानी फिर ये जो है इनकी हम मल्टीपल कर देंगे, 2 × 2 = 4। तो इसमें 6 में हमारी भाजकों की संख्या कितनी होगी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 100 का, कि जब 100 तक की डिजिट आ जाए तब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें भाजकों की संख्या कितनी होगी। देखिए जैसे 100 है, 100, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर, देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब ये जो हमारी पावर है इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगी, तो ये 3 हो गया। ये जो पावर है इसमें 1 ऐड किया तो ये 3 हो गया, और 3 × 3 = 9 हमारा आंसर हो गया। तो 100 में हमारी भाजकों की संख्या कितनी है? 9 है। अगर मैं एग्जांपल लूँ 200 का, कि 200 में कितनी होंगी, तो हमें पता है 100 में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 होती है, तो हम यहाँ डायरेक्ट ही लिख लेंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। और जब ये 100 हो गया तो रह गया हमारा 1 2, यानी 100 × 200, तो मैं यहाँ 2 और लिख दूंगी। अब हमें और छोटा कर लेना है इसको, 2 की पावर 3 लिख दूंगी मैं, क्योंकि 1 2 ये है ना, तो और यहाँ मैं लिख दूंगी 5 की पावर 2। अब ये जो 3 है इसमें मैंने 1 ऐड किया तो ये हो गया हमारा 4, और इस 2 में 1 ऐड किया मैंने तो ये हो गया हमारा 3, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 3, तो ये हो गया हमारा 4 × 3 = 12। तो 200 में हमारी भाजकों की संख्या कितनी होगी? 12। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लूँ, जैसे हमें पता करना हो 128 में भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए हमें पता है 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128,
एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो यानी 2 की पावर 7 मैं यहाँ लिख सकती हूँ, और ये जो 7 है इसमें मैं 1 ऐड कर दूँगी, तो यहाँ पे 8 होगा हमारा आंसर। यानी 128 में हमारी भाजकों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो अब देखिए, अगर हमें अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिए जैसे हमें एक बार मैं बड़ी डिजिट और लेके देख लूँ, देखिए जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे कि इसमें भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो हमें कैसे पता करना है, हमें पता है ये 5 का गुणनखंड है तो मैं इसे 5 की पावर 2 लिख सकती हूँ, और 4 जीरो हैं यहाँ पे तो मैं 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 लिख सकती हूँ। तो देखिए 5 की पावर 2, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, अब इनको मैं और छोटा कर दूँ, 5 की पावर 6, 2 की पावर 4, अब ये 6 है इसमें मैंने 1 ऐड किया तो ये हो गया हमारा 7, ये 4 है इसमें मैंने 1 ऐड किया तो ये हो गया 5, और 5 × 7 = 35, यानी इसमें हमारे भाजकों की संख्या कितनी होगी, 35। हमेशा डिपेंड ये नहीं करता है कि हम कितने सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हम एग्जाम में हमेशा क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत कम है, और वो है जो ट्रिक सीख जाते हैं वही बच्चे हमसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है, मुझे खुद पता है, हम एग्जाम देते हैं और हम क्वेश्चन सोल्व करते करते रह जाते हैं, इसलिए हम हमेशा न्यू सीखने की कोशिश करते हैं, और हमेशा जो भी ट्रिक होती है मैं यहाँ पे शॉर्ट से शॉर्ट लाने, जो ट्रिक होती है वो लाने की कोशिश करती हूँ, और ये नहीं है कि मैं कोई भी पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे नंबर सिस्टम करवा रही हूँ तो उसमें मैंने कोई एक सिंगल टॉपिक छोड़ दूँगी या फिर एक सिंगल क्वेश्चन मैं छोड़ दूँगी, मैंने बिल्कुल 0 लेवल से उठाया है और हाई लेवल तक जो है हमारा नंबर सिस्टम जाने वाला है। तो देखिए उसके बाद क्वेश्चन हमसे किस तरह के पूछे जा सकते हैं, जैसे एग्जाम में कह देगा मैथ्स जो है हर एग्जाम में सेम ही होती है, उसमें कुछ अलग नहीं होता, जैसे कह देगा 8400 स्वयं और 1 को छोड़कर कितनी संख्याओं से भाग होगी, तो स्वयं और 1 को छोड़कर हमें पता करना है, 100 का हमें पता है, हम 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं, 84 का गुणनखंड हम करें तो 12 × 7 = 84, अब हमें 4, अब ये और हो सकता है आगे तो हमें 4 तिया कर देना है, ये और हो सकता है तो हमें ये कर देना है, अब देखिए 2 की पावर 2 ये हमारा ख़त्म, फिर 3 रह गया, 3 की पावर 1 ये भी हमारा ख़त्म, फिर हमारा 7 रह गया, 7 की पावर 1 ये भी हमारा ख़त्म, रहा क्या ये वाला रह गया, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, अब इसको और सॉर्ट करना है मेरे को तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 4, 1 ये 2 है और 1 ये 2 है, रह गया हमारा 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 5 की पावर 2, अब देखिए 4 में हम 1 ऐड करेंगे 2 की पावर 4 में तो ये हमारा 5 हो गया, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा 2 हो गया, इसमें मैं 1 ऐड करूंगी 7 की पावर 1 में तो ये भी 2 हो गया, 5 की पावर 2 में मैंने 1 ऐड किया तो ये हमारा 3 हो गया, अब इनका मल्टीपल कर लो, 5 × 10 × 20 = 60, लेकिन मैंने क्या कहा है 8400 स्वयं और 1 को छोड़कर कितनी संख्याओं से भाग होगी, तो स्वयं और 1 2 डिजिट होगी, उन 2 डिजिट को हम इस 60 में से माइनस कर देंगे तो ये कितनी संख्याओं से भाग होगी, 58 संख्याओं से 8400 भाग होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3500 स्वयं को छोड़कर कितनी संख्याओं से भाग होगी, स्वयं को सिर्फ इस संख्या में खुद को ही छोड़ना है, तो देखिए 2 जीरो हैं, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 35 है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं 5 की पावर 1 इसे लिख सकती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 की पावर 1 यहाँ लिख सकती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये हमारा 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, अब देखिए 5 की पावर 2 ये है, 5 की पावर 1 ये है, तो मैं इसे 5 की पावर 3 लिख सकती हूँ, ये 7 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है,
ठीक है, तो अब देखिए तीन में अगर हम एक ऐड करेंगे तो ये हमारा चार होगा, सात में हम एक ऐड करेंगे तो ये हमारा दो होगा, दो में हम एक ऐड करेंगे तो ये हमारा तीन होगा। तो अब देखिए चार दुनी आठ और आठ तिया चौबीस। तो देखिए अब 24 में से मैंने क्या कहा है इसने स्वयं को छोड़कर, तो इसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया 23। सो गाइस हमारा भाजकों की संख्या जो है चैप्टर हमारा ये भी ख़त्म हो गया है और इसके बाद हमारी मैथ की जो है नेक्स्ट ट्रिक आने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।